इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में अमित शाह के बयान पर बवाल हुआ है। दरअसल लोग जम्मू एंड कश्मीर में राष्ट्रपति शासन पर विपक्ष को जवाब दे रहे हैं गृहमंत्री अमित शाह, और उन्होंने प्रस्ताव रखा कि राज्य में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन बढ़ाया जाना चाहिए, और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 का संशोधन करने वाला विधेयक भी उन्होंने पेश किया, और इस दौरान उनके बयान पर बवाल हुआ। भारत विभाजन के लिए नेहरू जिम्मेदार, इस बात का जैसे ही उन्होंने जिक्र किया विपक्ष ने हंगामा करना शुरू कर दिया। लोकसभा में अमित शाह के इस बयान पर बवाल कि विभाजन के लिए नेहरू की नीतियां जिम्मेदार रही हैं। नेहरू का जैसे ही उन्होंने नाम लिया विपक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई, बवाल शुरू हुआ। इसके साथ ही अमित शाह ने यह भी जिक्र किया कि सर्जिकल स्ट्राइक पर कुछ लोग सवाल उठाते हैं जो कि ठीक नहीं है। जब मैंने ट्रेजरी बेंच से भी आग्रह किया था, मैंने कहा कोई डिस्टर्बेंस व्यवधान पैदा नहीं होगा, और आपने उस समय कहा था कोई व्यवधान, आपको माननीय गृहमंत्री जी के बाद कोई बात के लिए तो 2 मिनट आपको समय दूंगा, आप माननीय गृहमंत्री को। नहीं सर, बात यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई, लंबे समय तक कांग्रेस ने अपनी पार्टी भी नहीं बनाई वहां। क्यों नहीं बनाई? क्योंकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को चलाना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी पुट ऑल एग्स इन शेख अब्दुल्ला बकेट, सारे अंडे की टोकरी में रखे, और अब्दुल्ला साहब टोकरी लेकर ही भाग। स्थिति क्या हुई माननीय अध्यक्ष जी? स्थिति क्या हुई? शेख अब्दुल्ला साहब को वहां का प्रधानमंत्री बनाया था। 23 जून 1953 को जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जम्मू कश्मीर के संविधान का विरोध करते हुए, परमिट प्रथा का विरोध करते हुए, देश में दो प्रधानमंत्री के प्रावधान का विरोध करते हुए जम्मू कश्मीर की सरहद के अंदर घुसे, उनको जेल के अंदर डाल दिया, और जेल के अंदर उनका शंकास्पद मृत्यु हो गया। अब कहेंगे कि मृत्यु होते हुए क्या कर सकते हैं? मैंने देखे उसकी जान तो हो सकती है ना, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए? देश के विपक्ष का नेता था, इतनी बड़ी नई बनी हुई मगर एक पार्टी का नेता था, देश के भूतपूर्व उद्योग मंत्री थे, बंगाल के नेता थे। आज बंगाल भारत में है तो उसमें श्यामा प्रसाद जी का योगदान है, वरना आज बंगाल भारत में नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, उनकी मृत्यु हुई, जांच नहीं की गई। उसके बाद में देश में हालात ऐसे बने कि 8 अगस्त को शेख अब्दुल्ला को पदच्युत कर उनको जेल में डालना पड़ा। मैंने बदली, किसने भरोसा किया, क्यों भरोसा किया? और वहीं से विश्वास टूटने की बात शुरू हुई है। मनीष भाई, मान्य सदस्य, आपने कहा कि चुनाव कराने चाहिए, चुनाव नहीं करते हैं तो जम्मू कश्मीर की आवाम के अंदर शंका पैदा होती। ओएसी साहब अच्छा हो गए आ गए, ओएसी जी ने भी कहा चुनाव कराने चाहिए, शंका उत्पन्न होती है। माननीय अध्यक्ष जी, चुनाव कराए गए 57 में, चुनाव कराए गए 62 में, चुनाव कराए गए 67 में, शंका क्यों उत्पन्न होती है? उसका मूल वही है, क्योंकि सारे के सारे चुनाव फर्जी करा गए, जिसमें जम्मू कश्मीर की जनता को वोट नहीं दी गई। हमारी सरकार नहीं थी, माननीय अध्यक्ष जी, हमारी सरकार नहीं थी, ना 57 में थी, ना 62 में थी, ना 67 में थी। एक तीनों चुनाव डेमोक्रेसी के नाम पर मजाक, और वहीं से जम्मू कश्मीर की जनता के मन में इस शंका का बीज आरोपित हुआ है, जो आज बड़ा पेड़ बनकर, दरख बनकर खड़ा है। ये हमने नहीं शुरू किया माननीय अध्यक्ष जी, यहां पर बैठे जम्मू कश्मीर के मेम्बरान भी बैठे हैं, वो शायद अब्दुल खालिक के नाम को जानते होंगे, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे श्रीनगर जिले के, और आधी घाटी श्रीनगर जिले में आती थी, उस वक्त ज्यादा जिले नहीं थे। उस वक्त दो हिस्से होते, एक जनता ने चुने हुए एमएलए होते थे, एक खालिक साहब ने बनाए हुए एमएलए होते थे। तीनों चुनाव के अंदर खालिक के सामने ही पर्चे दिए जाते थे, खालिक साहब उसको रिकॉर्ड पर नहीं लेते थे, और 25 से 31 तक मेम्बरान निर्विरोध चुने जाते थे। ये डेमोक्रेसी का मजाक हमने नहीं उड़ाया था, डेमोक्रेसी की हत्या हमने नहीं करी। जब खालिक जैसे लोग सरकार के एजेंट बनकर चुनाव कराते हैं, तो जनता के मन में
दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होती है और उसमें से शंका उत्पन्न होती है, चुनाव तो 77 में मोरारजी भाई ने कराया, चुनाव तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कराया जिसमें सबको वोट मिला, चुनाव हमारे शासन में हुआ।